नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास न्यूज़ के बारे में बताएंगे जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जो हमारा चाइना है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी में अलग अलग जगहें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपना रही है। जो यूरोपियन मार्केट है उसमें पहले से ही ये बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो शेयर मार्केट है वो बहुत ही डाउन आ चुकी है। शेयर मार्केट में बहुत ही तेज गिरावट हुई है। इस गिरावट में जो चाइना है, चाइना की अलग अलग कंपनियां बहुत जगह इन्वेस्ट कर रही है। जो हमारा यूरोपियन मार्केट है उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज़ के मार्केट में चाइना की कंपनी और जो चाइनीज़ कंपनियां है वो इन्वेस्ट कर चुकी है। और उसी से रिलेटेड इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ये भी अभी बहुत ही क्रेश हो चुका है, बहुत ही नीचे इसमें गिरावट आ चुकी है। तो ऐसे में जो बहुत ही वैल्यूबल स्टॉक थे वो बहुत ही चीप प्राइस पर मिल रहे हैं, 40% 50% चीप वैल्यू पर मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आया है, जो हमारा चाइना है, यहाँ के भी एक बहुत ही बड़े हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज में जो हमारा स्टेक है अपना इंक्रीज कर चुका है, वो भी 1% से अधिक। क्योंकि जब भी कोई कंपनी 1% से अधिक का स्टेक लेती है तभी जा करके वो आपको न्यूज़ में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनाज सेंट्रल बैंक बायज 1% स्टेक इन HDFC। जो HDFC है हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये जो हमारा HDFC ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें 1% से अधिक का स्टेक जो है चाइना सेंट्रल बैंक ले चुकी है। तब जाकर के ये खबर सामने आई है, क्योंकि अगर कोई कंपनी 0.99% भी स्टेक लेती है तो वो न्यूज़ आपके सामने नहीं आ सकती है। क्योंकि जब 1% स्टेक बढ़ाता है तो हर क्वार्टरली उस शेयर होल्डर्स का जो नेम है डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी को अपने क्वार्टर रिजल्ट में। तो उस तरह से जो ये क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें से ये जो हमारी चाइनीज़ कंपनी है ये इसका स्टेक सामने आया है कि ये कंपनी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जनवरी से लेकर मार्च के महीने में इतना परसेंट का स्टेक अपना बढ़ा चुकी है, जो कि 17.5 मिलियन शेयर्स बाय कर चुका है। 17.5 मिलियन शेयर, तो समझ सकते हैं प्राइस कितना होगा। अभी जो हमारा इसका प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं, HDFC का जो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी वो चल रहा है 1702 रुपीज़ अभी इसका करेंट प्राइस है। वो भी आज ये हमारा 9.19% इंक्रीज हुआ है, तब जा कर के आपको 1700 के आसपास दिख रहा है, नहीं तो ये शेयर प्राइस हमारा 1500 के आसपास था। तो इतना बड़ा न्यूज़ सामने आया है, क्योंकि जो हमारा चाइना है अभी लगातार ग्लोबल मार्केट में अपना जो पकड़ है मजबूत कर रहा है, लगातार ग्लोबल जो मार्केट है जो स्टॉक मार्केट उसमें अपना लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो इसमें और भी देखिए आपको नीचे मिलेगा कि चाइना सेंट्रल बैंक हैज़ अबाउट 1.01% स्टेक इन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर फॉर द मार्च क्वार्टर। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हेल्ड 1.75 करोड़ शेयर्स ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हाउसिंग मोर्टगेज लेंडर है, उसमें 1.01% का स्टेक ले चुका है, जो कि कितना शेयर होता है 1.75 करोड़ का। अब इसका प्राइस निकालेंगे तो कितना में आएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, जो हमारा 1500 है मतलब 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना बड़ा स्टेक जो है चाइनीज कंपनी ले चुका है हमारे इस HDFC में। तो इसमें आगे चल देखते हैं, तो आगे आपको इसमें मिलेंगे कि इफ़ इट इज़ नॉट नॉन वेदर द चाइना सेंट्रल बैंक अबाउट ऑल द शेयर्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च, कंपनीज नीड टू डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग चेंजेज टू द एक्सचेंज एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वेल इफ़ इन्वेस्टर्स स्टेक क्रॉस 1%। अगर 1% से क्रॉस करता है तभी जा कर के जो नेम होता है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर 1% से कोई कम स्टेक रखता है तो उसका नाम को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं हो इसलिए वो अपना स्टेक 1% से कम रखते हैं, मतलब 0.99% रखेंगे तो उनका जो रिसर्च है वो इस रिसर्च उनका डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इस तरह से अगला जो हमारा है HDFC शेयर फेल नियरली 40%, जो HDFC का शेयर है लगभग 40% जो हमारा वो क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है इस ईयर। इसका जो हाई था 2493 से उससे यह लो जा चुका है कितना, 1499 लास्ट वीक ये अपने जो लो है 1499 पर आ चुका था। इस तरह से कुल 40% का करेक्शन था, और ऐसे में चाइनीज कंपनी इसमें अपना स्टेक जो है 1% का बढ़ाई है बहुत ही चीप वैल्यू पर। तो ये देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण जो नीचे आया है करेक्ट हुआ है, उस इसका फायदा लेते हुए चाइनीज कंपनियां कई सारे देश
में अपना स्टेक बढ़ा चुके हैं कई देश की स्टॉक मार्केट में, और बहुत सारे देश को ये लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, सहायता भी दे रहा है फाइनेंशियली कोरोना वायरस से लड़ने में। इस तरह से चाइना जो एक ग्लोबल लीडरशिप के रूप में उभर रहा है फाइनेंशियली। अब हम इस स्टॉक जो HDFC है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि ये फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसमें हमारा जो चाइनीज कंपनियां है अपना जो होल्डिंग बढ़ाई है, तो इसके फंडामेंटल उसको थोड़ा देखते हैं ये फंडामेंटली हमारा स्टॉक्स कैसा है। तो चलिए हम इसके शेयर प्राइस पर चलते हैं। तो जो HDFC हमारा है, देखते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका जो अभी शेयर प्राइस है आप भी देख सकते हैं 1703 रुपीज़ ये BSE पे है, और 1702 रुपीज़ है हमारा NSE पे, तो लगभग दोनों जगह सेम ही है। अब इसका हम प्राइस चार्ट देखते हैं तो देख सकते हैं वन डे का हमारा जो प्राइस चार्ट है वो 9.25% ये अब है, देख सकते हैं 9.25%, और जो आज का लो बनाया लास्ट ट्रेडिंग डे वो बनाया 1587 रुपीज़, और जो हाई बनाया 1714 रुपीज़। उस तरह से एक वन वीक का प्राइस चार्ट देखते हैं तो वन वीक में इसका लो है कितना 1517 और हाई बनाया 1714। इस तरह से रिटर्न 7.95% का है वन वीक का। वहीं वन मंथ की बात करते हैं तो वन मंथ में देख सकते हैं आप ये लो बनाए कितना का 1473 रुपीज़ का, और इसका जो वन मंथ का हाई है वो है 2123, और कुल ये डाउन है कितना से -16.51% से। उसी तरह से आप वन ईयर का देखते हैं तो वन ईयर में देख सकते हैं ये अपने हाई कितना पे था 2499 पर, वहाँ से ये कितना करेक्ट हो चुका है आप देख सकते हैं 40% लगभग करेक्ट हो चुका है। इस तरह से ये जो हमारा शेयर है HDFC ये लगभग अपने हाई से जो 2500 का अप्रॉक्स हुआ करता था अभी आपको 1500 पर देखने मिल रहा है। अगर आपको भी लगता है ये शेयर बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप भी अपना स्टेक इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे थोड़ा सा और मार्केट करेक्ट होता है तो आप इसमें ले सकते हैं। अब चलिए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं, तब फिर हम बात करेंगे कि आपको स्टेक इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहले हमारे कहने से किसी भी कंपनी में आप स्टेक ना लें, इन्वेस्टमेंट ना करें, आप जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। तो चलिए पहला जो हम बात करते हैं, देखिए इसमें PE रेशियो, तो फंडामेंटल रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती है तो उसमें से कुछ चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है PE रेशियो। PE रेशियो से आप सेम कंपनी मतलब जो हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट है तो दूसरे हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी से ही आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर पी रेशियो इसका है 17.99, इससे अगर किसी का पी रेशियो कम होता है तो वो कंपनी इससे चीप वैल्यूएशन पे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ पी रेशियो किसी भी एनालिसिस का मतलब किसी भी स्टॉक के अच्छे होने का संकेत नहीं है, क्योंकि कोई स्टॉक अगर फंडामेंटली वीक है, अगर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हमारा इन्वेस्टर का, तो वो स्टॉक कोई बाय करना नहीं चाहता है, तो उससे भी पी रेशियो कम होता है उसका। अगर दो स्टॉक्स है दोनों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तब आप कर सकते हैं कंपेरिजन कि कौन सा स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जो चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तब हम पी रेशियो का कंपेयर करते हैं। तो देख सकते हैं इसके सेक्टर का पी रेशियो बहुत ही हाई है 28.95, इसके कंपेयर में ये बहुत ही बहुत चीप वैल्यू पर आपको मिल रहा है देख सकते हैं। दूसरा होता है PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका देख सकते हैं कितना है आपका 2.62। वहीं सेक्टर का देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है 1.68। देख सकते हैं इसका यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत ही अधिक है, मतलब ये सेक्टर ये स्टॉक्स के लिए जो हमारा है एक रुपया मतलब बुक वैल्यू के लिए लोग जो है जो शेयर होल्डर्स है जो इन्वेस्टर्स है वो 2.62 रुपीज़ देने के लिए तैयार है, जबकि सेक्टर में बहुत ही कम है देख सकते हैं। सेक्टर के अन्य स्टॉक्स के लिए जो हमारा इन्वेस्टर है वो 1.68 रुपीज़ देने के लिए तैयार है 1 रुपीज़ बुक वैल्यू के लिए। तो बुक वैल्यू में ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में ये बेहतर स्टॉक्स है, लेकिन PB रेशियो में ये आपको चीप वैल्यू पर मिल रहा है तो ये भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन हम अब इसके कुछ डीप फंडामेंटल एनालिसिस में चलते हैं, तो हम आ गए हैं NSE के वेबसाइट पर। तो देख सकते हैं NSE के वेबसाइट पर हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को सर्च किए हैं, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले जो हमारा देख सकते हैं यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है।
तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा, देख सकते हैं चौंकाने वाली बातें क्या है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास जीरो शेयर है, ये जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा। जिससे देखिएगा जिस शेयर में प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है तो उसमें लोग छिपा लेगा आपको, उसका वो आपके सामने नहीं लाएगा। तो देख सकते हैं इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग जीरो है, मतलब इसमें जो मालिक है उसका कोई इसमें होल्डिंग नहीं है, इसका एक रुपया भी उसमें नहीं लगा हुआ है इस कंपनी में। तो देख सकते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो, मतलब जो कंपनी का मालिक है उसका एक भी रुपया इसमें नहीं लगा हुआ है। तो सारा का सारा रुपया किसका लगा हुआ है, हमारा और आपका, देख सकते हैं। तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग इसमें 100% है, मतलब सारा का सारा रुपया जो है इस कंपनी में वो पब्लिक का है। अगर कंपनी डूब जाती है, मान लीजिए सपोज भगवान ने करे ये अच्छी कंपनी हमारी इंडिया की डूबे कभी, तो इसमें सारा रुपया पब्लिक का जाएगा, कंपनी के मालिक का एक भी रुपया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं देखते हैं डिविडेंड का। ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, देख सकते हैं आप, ये कंपनी लगातार रेगुलर अपना डिविडेंड दे रही है। उसके बाद बात करते हैं जब इसमें शेयर होल्डिंग है ही नहीं कंपनी के मालिक का, तो इसमें जो आप है जो देखेंगे, मतलब इसमें कितना शेयर प्लेस्ड है वो सब कोई मायने ही नहीं रखता है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारा क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें डिलीवरी में कितना गया है, लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें 47% क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी हुई है। टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई वो 85,000 और उसमें जो क्वांटिटी है 40,000 डिलीवरी में गया। तो देख सकते हैं 47% कुल क्वांटिटी हमारा डिलीवर हुआ है। तो ये सारा था फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, चलिए हम अब आपको बैलेंस शीट पर ले जाते हैं। तो इसमें जो हमारा शेयर होल्डिंग था उसमें प्लीज शेयर देखेंगे आप, तो प्लीज शेयर में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डिंग है किसका, प्रमोटर्स का, वो जीरो है। तो अब हम आ चुके हैं इसके बैलेंस शीट पर। तो इसका फंडामेंटल रिसर्च में सबसे पहले हम डेप्ट कितना है इस कंपनी पर, वो बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए डेप्ट देख लेते हैं कंपनी का कितना है, टोटल डेप्ट देख लेते हैं 3,65,265 करोड़। तो देख सकते हैं आप इतना करोड़ डेप्ट है कुल इस कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइए, ये जो डेप्ट है, क्योंकि ये तो हमारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब जो आप घर लेते हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो जो ये लोन प्रोवाइड किए हैं उसमें से जो क्रेडिट है इनके पास वो है 3,44,136 करोड़ का। मतलब इसमें से मात्र 21 करोड़ वो जो है वैसे लोन्स है जिसका कोई क्रेडिट नहीं है इस कंपनी के पास। जैसे आप लोन लेते हैं प्रॉपर्टी का लोन लीजिएगा, तो आप प्रॉपर्टी का जो कागजात है वो जमा कराते हैं बैंक के पास, तो उसी तरह से इनके पास जो है इतने में से, मतलब 3,65,000 में 3,44,000 के पास क्रेडिट है इनके पास। अगर वो लोन नहीं दे पाता है तो ये अपना उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपना लोन क्या करेगा, रिकवर करेगा। इसलिए ये सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन जो है उसमें से सिक्योर्ड लोन में से डूबने का जो चांस होता है कम होता है। तो इसलिए फाइनेंस कंपनी है, ये लोन देती है उसी से अर्निंग भी करती है, तो इसलिए ये लोन दे गई ही। और इसके बुक वैल्यू में, मतलब इसके बैलेंस शीट में आपको लोन देखने के लिए मिलेगा ही। लेकिन लोन डिफॉल्ट कितना करता है वो कंपनी के जो रिजल्ट होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस पर इफेक्ट डालता है। लेकिन जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर जो लोन डिफॉल्ट करने का चांस है बहुत ही कम है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन मात्र 21,000 करोड़ और सारा ये सिक्योर्ड लोन है। मतलब उसके बदले में जो लोन दिया है कंपनी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसका रखा है, कोई ना कोई क्रेडिट के रूप में कुछ ना कुछ रखा है। आप देख लेते हैं इसका एसर्ट कितना है, तो कंपनी का टोटल एसर्ट देख लीजिए। तो देख सकते हैं कंपनी का टोटल एसर्ट कितना है, 4,42,621 करोड़ इतना टोटल एसर्ट है कंपनी के पास। तो इतना टोटल एसर्ट है। तो अब बुक वैल्यू देख लेते हैं। बुक वैल्यू होता है टोटल एसर्ट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अगर बुक वैल्यू किसी कंपनी का नेगेटिव है तो आप उस शेयर में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर तो बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं कि बुक वैल्यू जो है कंपनी का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज। बुक वैल्यू इंक्रीज करना मतलब कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करना, कंपनी के एसर्ट में इंक्रीज हो रहा है, एसर्ट में इंक्रीज हो रहा है मतलब कंपनी का जो कंपनी के पास जो अपना एसर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये होता है बुक वैल्यू का इंक्रीज होना।
तो देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक बात जो है वो आपको याद रखनी है, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो है। तो सारे के सारे जो रुपया लगा हुआ है इस कंपनी में वो है पब्लिक का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया ये आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।